हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप सबके साथ में शेयर कर रही हूँ एकदम चटपटी हरी मिर्ची फ्राई की रेसिपी। खाने में एकदम चटपटी और मसालेदार बनती है ये मिर्ची फ्राई। अगर आपने खाने में कुछ बहुत ही ज़्यादा सिंपल बनाया है तब आप इस रेसिपी को ट्राई करें, आपके खाने में बिल्कुल चार चांद लग जाएंगे। तो चलिए जल्दी से हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है ये जो थोड़ी सी मोटी वाली जो हरी मिर्ची आती है, ये मैंने लिया है 250 ग्राम्स। इसे अच्छी तरह से धोने के बाद मैंने इसे अच्छे से एक साफ़ कपड़े से पोंछ लिया है। बिल्कुल भी पानी इसमें नहीं होना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अब इन मिर्चियों को हम इस तरह से थोड़ा सा मोटा कट करेंगे। बस सिंपल इसी तरह से हमें बिल्कुल थोड़ा सा मोटा मिर्ची को कट कर लेना है। अगर ये हरी मिर्ची आप जो ले रहे हैं बहुत ज़्यादा तीखी है तो आप जो इसका जो बीज है वो बिल्कुल आप अपने हिसाब से हटा सकते हैं। तो ये जो सारी हरी मिर्चियाँ हैं मैंने यहाँ पे कट करके रख दी है। अब हम एक पैन गरम कर लेंगे और इसमें हमें लेना है 3 बड़े टेबलस्पून ऑयल। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाए तब इसमें हम ऐड करेंगे जो हमने हरी मिर्चें काट के रखी हैं, ये इसमें आप ऐड कर दें। और अब हमें क्या करना है, इन हरी मिर्चों को अच्छी तरह से हम ऑयल के अंदर फ्राई करेंगे। तो बस इस तरह से 1 से 2 मिनट ही हमें लगेंगे। थोड़ा मीडियम टू हाई फ्लेम में रख के आप हरी मिर्चों को इस तरह से मिक्स करते हुए फ्राई कर लीजिए। मेरे चैनल पे और भी हरी मिर्च फ्राई की रेसिपी हैं, अगर आप उन रेसिपीज़ को देखना चाहते हैं तो मैंने ऊपर आई बटन पे सारे लिंक जो है मेंशन किया है, आप वहाँ क्लिक कीजिएगा, आप वो सारे वीडियोज़ देख सकते हैं। तो अब आप देख सकते हैं हरी मिर्चों का कलर जो है थोड़ा सा चेंज हो गया है, एकदम गोल्डन ब्राउन कलर हो गया है और थोड़ी सी जो मिर्चें हैं ना ये थोड़ी सॉफ्ट हो गई है। तो अब सबसे पहले इसमें हम ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून हींग। हींग जो है मैं इस वक्त इसलिए ऐड कर रही हूँ, इससे जो खुशबू है ना हरी मिर्चों में बहुत ही ज़्यादा अच्छी आएगी। और अब इसमें हम ऐड करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर 1/2 टीस्पून। तो ये जो मिर्च पाउडर है बहुत ज़्यादा तीखी नहीं होती है। और अब इसमें हम ऐड करेंगे धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/8 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून और ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। एकदम बढ़िया वाला चटपटापन देने के लिए इसमें हम सबसे पहले ऐड करेंगे आमचूर पाउडर 1 टीस्पून और उसके बाद भी हम कुछ चीज़ें ऐड करेंगे वो आप आगे वीडियो में देखिएगा। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से आप मिक्स कर लीजिए। और अब हमें क्या करना है, लिड लगा के जब तक जो मसाले हैं अच्छी तरह से भून ना जाए मिर्ची के साथ तब तक हमें इसे कुक करना है। बहुत ही ज़्यादा खुशबू आ रही है इस वक्त हरी मिर्चों की और जो हमने मसाले ऐड किए हैं उन सारे मसालों की। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और अब हमें ऐड करना है स्वाद अनुसार नमक। नमक जो है मैं इसमें लास्ट में ही ऐड कर रही हूँ। अब इन हरी मिर्चों को और ज़्यादा चटपटा बनाने के लिए इसमें हम ऐड करेंगे लेमन जूस यानी नींबू का रस 2 टेबलस्पून। अच्छी तरह से हरी मिर्चों को नींबू के रस और मसालों के साथ आप मिक्स कर लीजिए ताकि जो हरी मिर्च के अंदर है ना जो अच्छी तरह से नींबू का रस भी चला जाए और मसाला भी जो ऊपर से अच्छे से कोट हो जाए। तो अब ये बिल्कुल रेडी हो गई है हमारी चटपटी हरी मिर्ची फ्राई खाने के लिए। ज़रूर से मेरी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में वीडियो को लाइक भी करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।